हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे फोटो मैनिपुलेशन करके आप इस इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं इस इमेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हमारे जो रॉ इमेज है उसको हम लोग को कलर करेक्ट करना है। ओके, तो कलर करेक्शन क्या होता है अगर वो आपको जानना है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पे दे दूँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद कलर करेक्शन। तो हम लोग ओपन कर इस जो इमेज को है, हमारी रॉ इमेज, उसको हम लोग जो है कैमरा रॉ में ओपन करते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, इमेज बहुत ही वार्म है, मतलब बहुत ही वार्म टोन इमेज में है। तो उसको हम लोग को है इसका जो वाइट बैलेंस है वो गलत है, तो उसको हम लोग को एडजस्ट करना है। और फिर अभी हम लोग आते हैं एक्सपोजर एडजस्टमेंट पे। तो ये परफेक्ट लग रहा है, ओके पे मैं क्लिक करूँगा। तो ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा रॉ इमेज का। ये जो डिटेड इमेज है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये रॉ इमेज को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ रास्टराइज इमेज पे, जिससे कि ये फाइल का साइज़ बढ़ेगा नहीं। तो अभी हम लोग को दूसरा हम लोग को पार्ट क्या करना है, कलर करेक्शन के बाद में हम लोग को प्लान करना है कि हमें इस इमेज में एडिट कैसे करना है, हमारे माइंड में क्या है आइडियाज़ है। जैसे कि मैं जब एडिट कर रहा था तो मेरे दिमाग में यह आइडिया था कि मुझे मॉडल को इस और इस बोट को मुझे एक समुंदर में सी में दिखाना है और बैकग्राउंड में मुझे सनसेट दिखाना है, तो मुझे उस तरह का एक इमेज ढूंढना था। तो मैंने जो इमेज ढूंढा है वो इमेज था ये वाला इमेज, मुझे अच्छा लगा था। तो वैसे ही आप ढूंढ सकते हो गूगल पे, यहाँ पे जैसे कि मैं टाइप करके दिखाता हूँ सनसेट एट सी, वैसे टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे, उसमें से आपको जो अच्छा लगता है वो आप इमेज सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये वाला भी मुझे अच्छा लगा था, बट एक चीज़ इस इमेज में गलत है वो मैं अभी बताऊँगा कि जब आप कोई भी रेफरेंस इमेज या फिर आप कंपोजिटिंग के लिए इमेज लेते हो, मैनिपुलेशन के लिए इमेज लेते हो, तो आपको जो आपका मेन रॉ इमेज है उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको बाकी की सब चीज़ें जो भी एडिशनल इमेजेस आपको लेने होते हैं वो उस हिसाब से लेने होते हैं, पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जो कि आपका रॉ इमेज के हिसाब से होता है। तो इस रॉ इमेज को अगर आप देखोगे और ये जो इमेज है इसको देखोगे तो पर्सपेक्टिव मैच नहीं हो रहा, और जो मैंने सिलेक्ट की है इमेज ये वाली, उसका पर्सपेक्टिव मेरी जो रॉ इमेज है एडिट कर रहा हूँ मैं, जो रॉ इमेज है उसके साथ परफेक्टली मैच हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये इमेज फाइनल की। तो मैं इसी इमेज के साथ वर्क करने वाला हूँ, तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस इमेज पे और इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। फ़िलहाल मुझे ज़्यादा कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसको मुझे बैकग्राउंड में रखना है, तो मैं जस्ट एक ओवरऑल इसको फुल साइज़ करके फिर बैकग्राउंड में डाल देता हूँ। और अभी मैं क्या करूँगा कि जो मेरा इमेज है मॉडल का, उसको मैं उसकी ओपेसिटी में कम करके देखूँगा कि
मुझे कहाँ पे इस इमेज को सेट करना है। अभी जो मैंने बात बोली थी पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो अभी आप देखोगे तो ये पर्सपेक्टिव में इसका जो होराइज़न है और जो ओरिजिनल इमेज का होराइज़न है वो मैच हो। तो मेरे हिसाब जो ओरिजिनल इमेज है रॉ इमेज, उसका हिसाब से होराइज़न ये होना चाहिए, इस लाइन पे होराइज़न होना चाहिए। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस इमेज का होराइज़न जो है परफेक्टली मैच हो रहा है सॉरी ये वाला इमेज को। तो इस हिसाब से होराइज़न मुझे एडजस्ट करना है। ये वाला परफेक्ट हो गया है होराइज़न मैच। तो अभी मैं इसको स्केल करूँगा थोड़ा सा, जिससे कि ये फुल फ्रेम में कवर अप हो जाए। तो उसके बाद में मैं इस जो हमारी अनएडिटेड इमेज है उसका में जो रॉ इमेज है उसकी ओपेसिटी 100% कर दूँगा। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये जो सब्जेक्ट है मॉडल और ये जो हमारी बोट है उसको कट करना है। ठीक है, उसको मुझे कटआउट करना है और बैकग्राउंड से अलग करना है। तो हमारा सिलेक्शन हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है जो रिफाइनेज में अच्छी तरह से नहीं हुआ था, तो उसको भी मैं हाइड कर दूँगा। इस ब्रश को छोटा करके तो ये हमारा सिलेक्शन बन चुका है। ओके, तो अभी हम लोग इस लेयर को हाइड कर देंगे। ओके, तो अभी हमारा सिलेक्शन बन चुका है। तो अभी हम इस हमारे जो सिलेक्शन वाला एरिया है उस पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। हाँ, तो अभी हम लोग हमारे जो मॉडल है उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं मेरा जो डॉज एंड बर्न और फ्रीक्वेंसी सेपरेशन टेक्निक्स है वो यूज़ करूँगा। तो यहाँ से फटाक से मैं देख लेता हूँ पहले कि मुझे फ्रीक्वेंसी सेपरेशन की ज़रूरत है क्या यहाँ पे। ओके, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। यहाँ पे कुछ एरियाज जो है वो हम लोग को रिमूव करने हैं, तो उसके लिए मैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन लेयर लूँगा।
तो अभी आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का थोड़ा बहुत काम था वो हो चुका है, देख बिफोर आफ्टर देखोगे आप तो ये काम हो चुका है। तो अभी हम लोग जंप करेंगे डॉजन बर्न पे। डॉजन बर्न की भी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस मैं थोड़ा सा ही ज़रूरत है तो उसका मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये विजिबल लेयर, जो विजुअल लेयर है जो हम लोग को बताती है कि हम लोग को कहाँ पे डॉजन बर्न करना चाहिए। तो ये हो चुका है हमारा डॉजन बर्न का लेयर। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है इस इमेज का एक्सपोजर एडजस्टमेंट करेंगे। अब वो हम लोग करेंगे ल्यूमिनोसिटी मास्क यूज़ करके। अभी ल्यूमिनोसिटी मास्क एग्जैक्टली होता क्या है तो उस पर मैं आगे फ्यूचर में वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको जानना है कि ल्यूमिनोसिटी मास्क एग्जैक्टली क्या होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो चाहिए ल्यूमिनोसिटी मास्क का, तो मैं उस वीडियो टॉपिक पे एक वीडियो बना दूँगा। या फिर इस ओवरऑल इमेज प्रोसेस में जो भी आपको कोई प्रोसेस समझ में नहीं आती है या फिर आपके लिए नई है तो उस प्रोसेस के बारे में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको उस प्रोसेस पे या फिर उस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं वैसे वीडियोज़ बना दूँगा। तो अभी हम लोग चलते हैं एक्सपोजर एडजस्टमेंट में। यहाँ पे मैं ल्यूमिनोसिटी मास्क सेलेक्ट करूँगा। ओके, उसके लिए मैं कर्व्स यूज़ करूँगा। कर्व्स से मैं थोड़ा सा मॉडल के फेस को ब्राइट अप करूँगा। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए जो डार्कर एरिया है उसको मैं थोड़ा सा और डार्क करूँगा। ओके, और अभी मैं ओवरऑल जो इमेज के लिए थोड़ा सा इमेज को थोड़ा सा ब्राइट करूँगा ओवरऑल इमेज को। तो अभी मैं देखूँगा कि जो एक्सपोजर एडजस्टमेंट है वो हमारे जो बैकग्राउंड इमेज है उसके साथ फिट बैठ रहा है कि अभी जैसे कि आप देख सकते हैं तो एक्सपोजर थोड़ा बहुत परफेक्ट लग रहा है मुझे। अभी हम लोग जंप करेंगे कलर ग्रेडिंग में। जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के कलर्स और जो हमारी इमेज है उसके कलर्स मैच नहीं हो रहे। तो अभी हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है कलर मैचिंग करना, कलर ग्रेडिंग में कलर मैच करना। तो उसके लिए मैं अगेन ल्यूमिनोसिटी मास्क यूज़ करूँगा और ल्यूमिनोसिटी मास्क में यूज़ करूँगा सिलेक्टिव कलर के साथ। ओके, तो अभी सिलेक्टिव कलर ये एक टूल है जो कि बहुत ही बेस्ट बढ़िया टूल है कलर ग्रेडिंग के लिए, और मैं मेरी हर एक फ़ोटो की कलर ग्रेडिंग इस टूल से ही करता हूँ।
ओके, तो आप जैसे कि देख सकते हैं ओवरऑल कलर हमारा जो है इमेज कलर ग्रेड हो चुका है और ये है हमारा जस्ट मिनट, ये है हमारा प्रीवियस इमेज और ये है हमारा अभी तक का जो किया हुआ इमेज है, ये है प्रीवियस और ये है अभी तक का किया हुआ। अभी मैं एक चीज़ और करूँगा कि थोड़ा सा जो हमारा सिनेमैटिक और ड्रामेटिक लुक लाने के लिए मैं बैकग्राउंड को जो है ब्लर कर दूँगा, जिससे कि हम लोग को वो बोके इफेक्ट आ जाए। तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड पे जाऊँगा और यूज़ करूँगा, बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करूँगा, कॉपी बनाऊँगा और एक जो है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा कॉपी लेयर को, उस पर जाके मैं ऐड करूँगा गॉशियन ब्लर अपने हिसाब से। इतना ठीक है मेरे हिसाब से, तो उसको अप्लाई करूँगा और फिर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट था तो इसके लिए उसको मैं रेस्टराइज कर दूँगा। अभी इस पर मैं करूँगा एक मास्क ऐड और जो है ब्लैक ब्रश से जो एक कुछ कुछ जगह पे मैं ये इफ़ेक्ट जो है ब्लर वो हटा दूँगा, क्योंकि हमें डेप्थ ऑफ फील्ड रियल डेप्थ ऑफ फील्ड का जो है इफ़ेक्ट लाना है। तो यहाँ पे जो नज़दीक का मॉडल के नज़दीक का जो वाटर रहेगा वो हमारा शार्प होना चाहिए और जो दूर का रहेगा वो ब्लर होना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये वाला जो वाटर है स्लो में 100% कर दूँगा कि ये वाला वाटर है शार्प होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है एकदम अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा कलर ग्रेड और ये फाइनल इमेज हो चुका है। अगर आपको ऐसा ही इमेज यूज़ करना है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसमें कुछ और एलिमेंट्स डाल सकते हैं जिससे कि ये वो जो इमेज है और भी अच्छी हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे जो कुछ एसेट्स होते हैं ऑनलाइन आप ढूंढोगे कि जैसे स्नो का इफ़ेक्ट होता है या फिर रेन का इफ़ेक्ट होता है। मैंने मेरे इमेज में स्नो का इफ़ेक्ट यूज़ किया था जो कि मेरे पास अवेलेबल है। ऐसे ही कुछ स्नो के इफ़ेक्ट्स होते हैं, स्नो या रेन के इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो हम लोग ऐड करेंगे। इसको सबसे टॉप में लेके जाएंगे, यहाँ पे हम लोग को ऐड करेंगे ऐसा। तो ये है हमारा फाइनल इमेज गाइस, ये है हमारा ओरिजिनल इमेज। इसमें भी हम लोग ने वाइट बैलेंस एडजस्ट किया है। ये है ओरिजिनल इमेज और ये है हमारा आउटपुट, फाइनल आउटपुट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस और भी ज़्यादा लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।